गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 6 में मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 समझाने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए, आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। अभी अपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, यानी कि पहले एक डिजिट लिखेंगे, उसके बाद जितनी जीरो है उतनी डिजिट होनी चाहिए हमारे पास। तो इसको लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 3 है, यहाँ पर 3 वाले प्लेस पर आ जाएगा। ये 60 है तो यानी कि 10 वाले प्लेस पर आ जाएगा। ये 2000 है तो 1000 वाले प्लेस पर आएगा। बीच में हमारी कुछ डिजिट नहीं है तो वहाँ पर हम जीरो लगाएंगे। ये 80,000 है तो ये 10,000 वाले प्लेस पे आएगा। और ये हमारा 6 लाख है तो ये लाख वाले प्लेस पे आएगा। इसी तरीके से आपको इसके सभी पार्ट सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि आपको फर्स्ट दिन ही आपको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में टेबल बनाने के लिए बोला गया था। तो उसमें आपने पढ़ा होगा वंस टेंस हंड्रेड, बट ये 1000 वाली प्लेस होती है, और ये भी वंस टेंस हंड्रेड, और ये मिलियन वाली प्लेस होती है। तो इसको हम इसलिए क्या पढ़ेंगे, तो ये 63 है तो, लेकिन ये है क्या, मिलियन। तो 63 मिलियन, ये है 481, तो ये हो गया 481,000, और ये सिंपल 831, इसी तरीके से लिख देंगे। इसी तरीके से इसमें आएगा, देखिए 4,843,000,575,201, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग नंबर एज फिगर, आपको इनको फिगर में लिखना है, यानी कि 54,032,030। तो देखिए 54,032,030। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 8521720, यानी कि इस डिजिट में, इस नंबर में आपको 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल के उसको मल्टीप्लाई करनी है। तो आपकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी 2 की, इसमें 20,000, और फेस वैल्यू 2 है ही, और दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 40,000। थैंक यू।